नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि नवे महीने आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो और साथ में आपको कोई तकलीफ भी ना हो। देखिए, आप जब पहले महीने से लेके 9 महीने तक आपको मैंने बताया कि आपको कैसे कैसे खाना होता है, इतनी चीज़ ले आप खाने के लिए जितनी आपको हजम हो सके, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि प्रोटीन और प्रोटीन के पीछे हम जब पड़े रहेंगे तो वो भी ज़्यादा प्रोटीन भी हमें तकलीफ़ दे देता है। जब आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डाइट लेंगे तो आपका 9 महीना जो है अच्छे से हो जाता है। ज़्यादा डाइट लेने से भी बच्चा हैवी हो जाता है, फिर उसके बाद जाके बहुत दिक्कत आती है। हर कोई यही चाहता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन जब सीजरिन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ना वो कुछ खा पी सकती हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आजकल तो जो है शुरू से ही जो है काम वगैरह नहीं करती हैं, या फिर खाने की उन्हें कुछ पता नहीं होता है, ज़्यादा प्रोटीन के चक्कर में परसून लेती हैं और वो खा लेती हैं, तो उसमें भी या तो खुद उनका वेट हैवी हो जाता है या फिर बच्चे का वेट हैवी हो जाता है। ज़्यादा खाने से भी बच्चा जो है कई बार सिकुड़ जाता है और बच्चा पतला सा हो जाता है, माँ फूल जाती है। तो जब आप डाइट ले रहे हैं तो डाइट में आपको प्लान का पता होना चाहिए कि आप कैसे डाइट ले रहे हैं। तो चलिए, आज मैं आपको 9 महीने वाली बात बता रही हूँ, तो ये वाली बातें तो मैं तो बता चुकी हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब 9वां महीना आपको लग रहा है तो आपको सबसे पहले जो सेवैयाँ कहते हैं, जिसे हम हाथ की बनाते हैं मैदे से, और वो सेवैयाँ अगर आप ताज़ा बना करके आप ले सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, नंबर 1 का। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ बिल्कुल नंबर 1 का है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग की से ज़माने से चली आ रही है, और जब आप ये खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपको प्रोटीन मिलता है और आपके बच्चे को भी जो है बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। जोइया, उसे जोइया भी कहा जाता है, कहीं पर आप इसे सेवैयाँ भी कह सकते हैं। सेवैयाँ का आप मैदे की बनवा लें और उसके बाद कई लोग उसमें हल्की सी सूजी भी मिलाते हैं, लेकिन मैदे की ही बनती है। अब आप कहेंगे कि मैदा है। नहीं जी, मैदा नहीं है, जो सेवैयाँ बनती है उससे ताकत बहुत आती है, नसों में बहुत ताकत आती है। जिनके घुटनों में दर्द होता है ना, अगर वो सेवैयाँ की खीर बना के खा लें तो घुटने का दर्द एकदम ठीक हो जाता है, इतनी उसके अंदर ताकत होती है। ये इसलिए दिया जाता है कि आप जो है उसमें बहुत अच्छे से आपको 9वें महीने में वो काम कर सके। सेवैयाँ आप उसे थोड़ी सी मात्रा में ले लें, उसे घी में भून लें। घी में अच्छी तरह भूनने के बाद आप उसमें 1 गिलास दूध डाल करके, जितना आपको खाना है, थोड़ी खाना है थोड़ा बना लें, ज़्यादा खाना है ज़्यादा बना लें, उस दूध में आप सेवैयाँ को उबाल लें। थोड़ी सी 2 चम्मच 3 चम्मच आप सेवैयाँ डालेंगी तो वो काफ़ी एक कटोरी भर के बन जाती है। एक बार आप बनाएंगी तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता लग जाएगा कि आपको कितनी सेवैयाँ लेनी है। या फिर आप भून करके रख लें, जब भी आप दूध में डालें और उसके बाद फिर आप उसमें घी डाल दें। घी जरूर डालें, 2 से 3 चम्मच आप इसमें घी डालें। अगर आप चाहते हैं कि पुराने ज़माने के तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँ सारी बातें, तो आप इससे निस्फिक्र रहें। मैं आपको कोई भी ऐसी बातें नहीं बताऊँगी जो कहीं से पढ़ी हुई या सुनी हुई या देखी हुई बातें बताऊं, वही बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हमने घर में देखा है, करा है, सुना है और आजमाया है। यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप मेरी सब्सक्राइबर यूट्यूबर फैमिली है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को मैं कोई भी ऐसी बात बताऊँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आपको जो भी बात बताऊँगी वो बिल्कुल ही घरेलू और सही तरीके की बातें बताऊँगी। उस सेवैयाँ को आप ले करके 1 कटोरी आप सुबह खाली पेट खा सकती हैं, नहीं खा सकती, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप नाश्ता करने के बाद भी ले सकती हैं, रात को सोती टाइम भी ले सकती हैं। अगर सुबह सुबह खाली पेट ले लेती हैं तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि अगर आपने 10-15 दिन रेगुलर ले लिया तो आप समझिए ये सोने पे सुहागा है। उसके बाद रात को आप दूध ले सकती हैं, रात में भी घी डाल सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 9वें महीने होने पर ही आप इसमें डाल सकती हैं। अब आप कहेंगे हमें घी अच्छा नहीं लगता, फिर आप को मैं ये गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि आपको ये चीज़ें तो बड़ों बुजुर्ग की जो हमारी बातें हैं, या तो आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछेंगी तो ही पता चलेगा, या आपकी मम्मी है, सास है, उनसे आप पूछेंगी तो ही आपको पता चलेगा।
या फिर आप कोई ऐसा चैनल देखें जहाँ पर आपको घरेलू बातें बताई जावे, वो आप देखें। खाली फ्रूट के ऊपर आप रहेंगी या बगैर घी से आप खाएंगी तो नहीं चलने वाला है, ऐसे नहीं हो सकता है। आप रात को जब दूध पिए, रात को दूध में भी आप 2 से 3 चम्मच घी अगर पी सकती हैं, तो सबसे बढ़िया फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ, उसे आप घोटें। आप उस दूध को आप घोटें। घोटने का मतलब है एक गिलास दूध आपने लिया, फिर एक लोटा ले लें या फिर एक गिलास ले लें, उन्हें आपस में खूब अच्छे से उसे फेंटें। फेंटने से क्या होगा, दूध के अंदर घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आप वो पी लें। आप देखेंगे ये जो मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ ना, आप एकदम दुआ देंगी मुझे। जब किसी के अच्छा होता है तो वो हमें क्या देता है, दुआ देता है ना, मन से दुआ निकलती है कि अरे उसने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई है। तो आप ये करके देखिएगा और फिर आप देखेंगे, आप खुद ब खुद कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ हमने ये चीज़ की। आज भी कई घरों में ये चीज़ बनाई जाती है, और जिनके घर में बनती है ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि ऐसे होता है क्या। ये छोटी सी जो मैंने जानकारी दी है, ये देखने में छोटी है लेकिन दोस्तों लाभ बहुत देने वाली है ये। ये आप आंख बंद के विश्वास कर सकते हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर फैमिली है वो फैमिली मेरी काफ़ी बड़ी हो और काफ़ी जो है अधिक से अधिक इस चीज़ की जानकारी मिले। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पता नहीं दोस्तों किसको किस टाइम पर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, जब हम किसी का अच्छा करते हैं ना तो हमारा भी अच्छा अपने आप ही होने लग जाता है। तो मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन करना है और कुछ जानकारी चाहिए ना, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपको वीडियो बना करके दूंगी उस चीज़ के बारे में। तो चलिए मिलती हूँ दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू मॉम।